वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को जिनको मेरा कंटेंट पसंद आया। एंड वी कंप्लीटेड 3 मंथ्स और आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखे यार दिल खुश हो जाता है। चलो बैक टू वीडियो। तो भैया पिछले महीने मनोज वाजपेयी की तरफ से 2 सीरीज आई थी, पहली फैमिली मैन का सीजन 2 और दूसरा रे। अब इस महीने आ चुकी है डायल 100। क्या ये उतनी ही इंटरटेनिंग होगी? और वैसे भी आपको ट्रेलर देख के इसकी स्टोरी पता चल चुकी होगी, तो इतना कैलिबर है इसमें कि ऑडियंस ग्रैब कर ले, ये सब बात जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी कास्ट से। मेन लीड में है 3 कलाकार और तीनों ही अपने अपने फील्ड में परफेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मनोज वाजपेयी, जिन्होंने अपना रोल निभाया है एज अ निखिल सूद। मूवी इन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती है और मूवी में ये एक कॉल सेंटर जो पुलिस वालों का होता है उसमें वर्क करते हैं। सेकेंड है इन्हीं की वाइफ प्रेरणा सूद का रोल प्ले करने वाली साक्षी तनवर। अब एक नाटक आया करता था घर घर की कहानी और बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पागल मैं नाटक की बात कर रहा हूँ। एंड दंगल में भी है आमिर खान की वाइफ बनी थी। अब इन पति पत्नी और वो की कहानी में वो का रोल प्ले करा है नीना गुप्ता ने। इन्होंने बधाइयों में भी काम करा है। वेल, इन्होंने इतनी सारी मूवीज में काम करा है कि जितने मेरे इंस्टा पे फॉलोवर्स भी नहीं है। मूवी के डायरेक्टर है रेंजिल डी सिल्वा। इन्होंने कुर्बान, उंगली, 24 जो एक शो आया करता था अनिल कपूर का, उसके डायरेक्टर और राइटर रहे हैं और रंग दे बसंती के भी राइटर रहे हैं। तो अपने आप एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है क्योंकि डायल 100 को भी इन्होंने डायरेक्ट और राइट किया है। स्टार कास्ट भी अच्छी है एंड डायरेक्टर भी इतना अच्छा है, तो सवाल ये उठता है कि एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरी है ये मूवी? तो बात करते हैं स्टोरी की। एक दिन पुलिस के कॉल सेंटर में कॉल आती है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि वो निखिल सूद से बात करना चाहती है। फिर उनकी बातें चलती है और इतनी मिस्टीरियस बातों में हमारे निखिल सर भूल जाते हैं कि वो लेडी उनको कैसे जानती है। फिर उनके स्टाफ मेंबर उनको याद दिलाती है कि सर इन्होंने आपका नाम लिया है, तो कैसे जानती है आपको? आप कैसे जानते हो उसे? मैं नहीं जानता उसे। लेकिन उसने तो आपको नाम से पूछा। फिर हमारे निखिल सर जी नेक्स्ट टाइम कॉल पर बात करते हुए पूछते हैं कि आप मुझे कैसे जानती हो, तो फोन के उस तरफ से नीना गुप्ता कहती है कि जी हाँ, इससे ज़्यादा प्लॉट के बारे में रिवील करना गलत होगा। वैसे गाने से आइडिया लगा सकते हो तो लगा लो। तो ये थोड़ा लगेगा ऐसा कि जैसे गायतोंडे ने सरताज को फ़ोन मिलाया और बोला वो 25 दिन है तेरे पास, मुंबई बचा ले। फिर उसी रात को गायतोंडे को ढूंढ लिया जाता है सरताज सिंह के द्वारा, पर गायतोंडे खुद को गोली मार देता है। कुछ ऐसी ऐसी फील्स ही आ रही थी मुझे ये मूवी को देखते हुए। पहले मैं सेक्रेट गेम्स की स्टोरी को बता रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। नाउ बैक टू टॉपिक। अगर आपने मेरे पिछले 1 मिनट की हरकत से ये गैस करा कि नीना गुप्ता कौन है, कॉन्ग्रेट्स, मैंने आपका पागल बना दिया। एक्चुअली नीना गुप्ता का मकसद कुछ और होता है और वो एक रात में सब कुछ बदल के रख देती है। एंड इसके आगे की स्टोरी में बता के आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, ना ही आपका सस्पेंस ब्रेक करना चाहूँगा। पर इतना ध्यान रखो, अगर क्राइम करने वाले से बड़ा गुनहगार उसे छुपाने वाला होता है तो सज़ा भी उसे ज़्यादा ही मिलनी चाहिए। वेल, बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो फर्स्ट ये है कि सिंपल स्टोरी है एंड आपको 40 से 45 मिनट में ही सारी स्टोरी पता चल चुकी होगी। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एंड तक देखना क्योंकि इसमें हल्के हल्के से ट्विस्ट है। अब ये मूवी बहुत लोगों को बिलो द एवरेज लग सकती है जिन्होंने ज़्यादा ही थ्रिलर सस्पेंस मूवी देख रखी हो, एंड इतनी अच्छी स्टार कास्ट है तो जाहिर सी बात है कि इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए इस मूवी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, एंड ये इतनी भी ज़्यादा थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवी नहीं लगी मुझे। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे ही नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। फर्स्ट है मनोज वाजपेयी के एक्सप्रेशन यार, मतलब वो शुरू के 20 मिनट सिर्फ उसी कैरेक्टर पर फोकस करा होता है और वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से भी डील कर रहा होता है, एट द सेम टाइम वो नीना गुप्ता की मिस्टीरियस कॉल से भी डील कर रहा होता है। और उस टाइम पर जो उसका फेस एक्सप्रेशन है इतने रियल लगते हैं, बिल्कुल लगेगा नहीं आपको कि ये बंदा सही में मतलब एक्टिंग कर रहा हो। सेकेंड, इसमें छोटे मोटे ट्विस्ट हैं जो आपका एक नजरिया बदल देते हैं किसी एक कैरेक्टर को देखने का। लाइक आप नीना गुप्ता का कैरेक्टर ले लो, फर्स्ट 20 मिनट आपको लगेगा कि वो सुसाइड करना चाहती है, फिर नेक्स्ट 20 मिनट आपको ये लगेगा कि यार ये सीरियल किलर है। तो ये हो गए 20+20 40 मिनट्स
और इसके 5 मिनट बाद ही आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। थर्ड जो है वो है इसकी एंडिंग। मतलब कई लोगों का एंडिंग ऐसा लग सकता है कि किसी मूवी से कॉपी करी हो, बट ऐसा नहीं है। ये एक मेथड होता है कि यार आपको किसी तरह से उस मूवी से अटैच करने का, लाइक जोकर की एंडिंग देख लो, एंड बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनकी एंडिंग इस टाइप से करी जाती है जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, और वैसे ही कुछ इस टाइप की एंडिंग आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, और ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मूवी में। फोर्थ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये आपको कई सारे लेसन सिखा जाती है मूवी, और एक जैसा क्राइम वाला तो मैंने बता दिया था, बाकी के 2-3 भी हैं, वो आप मूवी देख के ही बताना नीचे कमेंट करके, ये आपका होमवर्क है। एंड यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यार ये मूवी कुछ मॉरल वैल्यूज सिखा जाती है। एट द एंड मैं इस फर्स्ट कॉपी फैमिली मैन को कहना चाहूँगा कि एवरेज स्टोरी है, 3-4 बीच में गालियाँ हैं, और काफ़ी कुछ सिखा भी जाती है आपको, और फुटपाथ की याद आ जाएगी इससे। मैंने कुछ नहीं कहा, बट ये बहुत लोगों को मूवी डिसअपॉइंट भी कर सकती है, जो लोग थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, और उनके लिए स्टोरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। मूवी को आप घर वालों के साथ देख सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना कि इस मूवी के बाद वो आपको रात में घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मुझे तो सही लगी मूवी, एंड कहीं से भी ये नहीं लगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। और आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना, और वीडियो भी कैसी लगी ये भी बता दो, एंड सब्सक्राइब कर देना यार। बस इतनी ही ख्वाहिश है हमारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।